गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और इस बार भी यार बहुत दिनों के बाद नहीं, बहुत महीनों के बाद वापस आ रहा हूँ मैं। एंड आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम आई एम ट्रैवलिंग। शो फर्स्ट, दिस इज़ प्रफुल, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, जो आज मुझे छोड़ देगा स्टैंड तक। आगे का सफ़र मुझे ही तय करना है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम मॉनसून 2023। दिस टाइम आई एम गोइंग टू इंद्रगिरी पोर्ट। उस पोर्ट की ट्रैकिंग के लिए मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था, इस यूट्यूब चैनल से भी पहले। और इस बार एक्साइटमेंट सच में यार बहुत ज़्यादा है, और मुझे पूरी उम्मीद है उस क्लाइमेट की जो मुझे चाहिए ट्रैकिंग के लिए वहाँ पर। बिकॉज नासी के आसपास जितने भी हिल स्टेशन है फिलहाल सब पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, और उसी में से एक ये पोर्ट है जिस पे आज मुझे जाना है यार। वो पोर्ट बहुत ख़ास है यार, क्योंकि दो पहाड़ों को खोद कर जो सीढ़ियाँ बने गई ऊपर चढ़ने के लिए, उसके बाद महादेव का मंदिर, वो गुफाएँ और ऊपर के टॉप के ब्यूटीफुल व्यूज़, हमें बहुत कुछ देखना है आगे। तो इसीलिए चले फिर इस नासिक शहर को बस कुछ दिन के लिए छोड़कर। हमारी ये जर्नी आगे बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जैसे ही हमने ट्रैक स्टार्ट किया यहाँ का क्लाइमेट बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। और मैं जानता था हम पोर्ट तक पहुँचने से पहले ही यहाँ का ये पूरा क्लाइमेट बदल जाएगा। दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग विथ माई ब्रदर, जो अच्छी तरह जानता है इस पोर्ट पर जाने का रास्ता। और हमारी इस जर्नी की शुरुआत यहीं से हो रही है। जो सामने आपको पोर्ट दिख रहा है वो ये इंद्रगिरी पोर्ट। ये पोर्ट नासिक से एटलीस्ट 70 किलोमीटर दूर है, और मालेगांव शहर से 30 किलोमीटर पहले, तो ज़रूर आएगा एक बार यहाँ पे। यहाँ आने से पहले जो भी मैंने सोचा था, मौसम बिल्कुल वैसा ही था यार। बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मौसम पूरा बारिश का रहने वाला है। और आपके ऐसी जर्नी में क्लाइमेट अगर ऐसा मिल जाए ना, तो वहाँ बिताए हर पल आपके दिल में रह जाता है। पता है जो यादें पहाड़ों में बनती है ना, वो हमेशा याद रहती है। इसीलिए तो यार बार बार मन करता है ऐसी जगहों पर वापस आने का, उस समय को, उस पल को वापस जीने का। इस मौसम का इंतज़ार यार मैं हर साल करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं इन जगहों पर घूम कर आऊँ। और यहाँ के लोगों के लिए तो ये नज़ारे भलाई हमेशा के लिए वही होता है, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए ये क्लाइमेट, ये सारे नज़ारे कुछ ऐसे नज़र आते हैं।
पता है लाइफ सिर्फ चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं होती, जीने के लिए भी होती है। इसलिए थोड़ा सा रुक के इस पल को यार जी भर के जी लो, क्योंकि ये समय कभी रुकता नहीं, ये हमेशा चलता रहता है। आप कुछ करो या ना करो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो यार जियो तो ऐसे जियो जैसे आप ही का सब कुछ है, और जिस दिन जाना होगा तो जाओ ऐसे जैसे आपका कुछ भी नहीं है। हमारी इस जर्नी का सफ़र यहाँ आधा पूरा हो जाता है, और उस दिन सच में यहाँ ट्रैकिंग को हमारे अलावा और कोई नहीं था, तो यहाँ इतनी शांति थी कि बस मन कर रहा था कि यार यहाँ से हम ऊपर जाए ही ना, क्योंकि ये ठंडी हवाएं जो अब तक मैं सिर्फ महसूस कर रहा था वो अब इन माउंटेन को टकरा के वापस हमारी तरफ आ रही थी, और उसके साथ साथ एक ऐसी आवाज़ जो हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर रही थी। यहाँ आते ही सच में यार बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ हजारों साल पहले बनाया गया है। ये सीढ़ियाँ जो एक चट्टान को काट कर एक घाटी बनाती है जो आगे आपको पोर्ट की तरफ ले जाती है, उसके बाद ऊपर महादेव का मंदिर, वो गुफाएं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ देखा है वो दिखाऊंगा आपको मैं। प्योर बारिश के मौसम में, मानसून में, यही टाइम होता है जब ये पहाड़ियाँ, ये माउंटेंस अपने असली रंग में आते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं। और ऐसे में अगर आप घर में बैठे रहोगे तो फिर लाइफ को यार कैसे जियोगे। कभी क्या है आपने ऐसा लंच ऐसी जगहों पर, एक बार करके देखना यार, जिंदगी भर याद रहेगा। और अगर कभी मौका मिल गया तो क्या आप भी करना चाहेंगे मेरे साथ एक बार ऐसा लंच? इस ट्रैकिंग का असली मजा तो इस माउंटेन के ऊपर है, वो महादेव का मंदिर, वो गुफाएं, जिसके लिए मैं यहाँ खास करके आया हूँ। तो चले फिर एक बार फिर से।
सीरियसली यार, ये फीलिंग, ये व्यू अलग ही है। पूरा माइंड रिसेट हो गया था मेरा यहाँ आके। और उस दिन हमारे अलावा इस बोर्ड पर और कोई था ही नहीं ट्रैकिंग को, तो यहाँ इतनी शांति थी, आप भी महसूस करके देखो यार। जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो फिलहाल जहाँ मैं चदरा हूँ ना, ये पूरा पानी से भर जाता है, और उसके बाद ये पानी गिरता है इस माउंटेन के नीचे, और नीचे से दिखाई देता है हमें ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, जिसको देखकर इस माउंटेन पे आने का और मन होता है। और यहाँ पे ये हिस्ट्रिकल्स एक चट्टान को काट कर बने की छोटी सी गुफा, जिसके अंदर है महादेव का मंदिर। अभी यहाँ हमने मंदिर के दर्शन तो कर लिए है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर। लेकिन उससे पहले वो तो देख लो जो यहाँ मैंने फील किया है। यहाँ जैसे ही मैंने फ्लैग हाथ में लिया, रियली अंदर ही अंदर इतना प्राउड फील हो रहा था मुझे कि यार सच में आज मैं इतनी पुरानी जगह पे आया हूँ, और मुझे पसंद है ऐसी जगहों पर आना, यहाँ पे टाइम बिताना। पता है क्यों? इसलिए इस पोर्ट पर घूमते घूमते कब हमें 5 घंटे बीत गए ये पता ही नहीं चला। मॉर्निंग को एटलीस्ट 10 बजे ही हम यहाँ पहुँच गए थे, और अभी बज रहे 3। अभी हमारे पास समय कम था और काम थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें गुफा तक पहुँच कर वापस लौटना है, ताकि इवनिंग होने से पहले हम इस पोर्ट के नीचे पहुँच जाएँ। क्योंकि यार ये जंगल है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और फिलहाल वेदर भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। एंड यहाँ आते ही मैं इन गुफाओं को देखती रह गया, मतलब कैसे बनाया गया होगा इन सबको। उस ज़माने में पहले इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी जिस तरह बनाई गई ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ कितना बढ़िया बनाया गया है। और ये जो गुफा देख रहे हैं आप, ये सब उस ज़माने में आराम करने के लिए हुआ करती थी। और ऐसी गुफा एक जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर नीचे, जहाँ पर पानी का टैंक है वहाँ पानी पीने के लिए आप यूज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आप कुछ पलों के लिए कुछ ना करें, बस इस ब्यूटीफुल जगह को देखकर अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहीं पर हो। ये सब कुछ देखकर उन्हें सल्यूट करने का मन करता है जिन्होंने एक ज़माने में सब कुछ बनाया होगा।
उनके आर्ट को, उनके काम को, सच में यार सल्यूट है उन्हें। श्योर यार, आज हमारे इस एडवेंचर में इतना ही। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ वो करें जो आपका मन कहता है, वो करें जो आपको खुशी देता है, और वो करें जो आपको जीने की उम्मीद जगाता है। और जब भी लगे ना लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, तो बिना कुछ सोचे अपने आप को यहाँ लेके आ जाओ, क्योंकि इन जगहों की वजह से जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं ना, वो आपको धीरे धीरे खुद ही पता चलने लग जाएगा। बाकी तो जिंदगी यार, प्रॉब्लम्स मीन्स लाइफ। अगर लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी नहीं, तो फिर जीने का क्या ही मज़ा है यार, है ना। तो बस थैंक यू सो मच इस वीडियो में आने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हमारा ये सफ़र तो यहाँ ज़रूर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारी जर्नी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सफ़र में। ओके गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।